भिगनगांव में दुकानदारों के नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों के इस्तीफे की मांग का असर हुआ है। अध्यक्ष और पार्षद अब थाने पहुंच गए। जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। नगर परिषद अध्यक्ष ने ज्ञापन में एसडीएम ओम नारायण सिंह ने बताया कि जहां मेन रोड हो वहीं कार्यवाही की जाए। हमने नालियों के ऊपर अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा था, दुकानदारों को बेदखल करने के लिए नहीं कहा था। उधर झिनिया रोड स्थित शंकर मंदिर पर दुकानदार एकत्रित हुए और अपनी रणनीति बनाई। दुकानदारों ने नागरिकों से शुक्रवार को नगर बंद करने का आग्रह भी किया है। हम आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 8 के मुबारक, लतिका, गोकुल और हीरालाल के पास पट्टा है, उनको भी नोटिस दिया गया था पर मकान खाली नहीं कराए गए, वे भी मुहिम में तोड़े जाएंगे। गुरुवार को प्रशासन की अतिक्रमण मुहिम वार्ड 9 में चली। इस दौरान एसडीएम ओम नारायण सिंह, तहसीलदार देव कुमार सोलंकी, नायब तहसीलदार ममता मिमरोड सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। भीकन गांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। और हमारा गरीब का मकान टूट गया, अभी टूटी नहीं है, बनाने की और हमारा मकान बनाया अभी बनाया नहीं, अभी खुटी मिली है हमको, गरीबों से खाने का भी नहीं मिल रहा था, करके धरने करते हैं हम जैसे खाते हैं वैसे हम खाने करते हैं। मेरा मकान जो है वो वार्ड नंबर 6 में 16/18 में बना हुआ है और 16/18 का पट्टा मेरे हाथ में। मैंने एसडीएम साहब से गुहार लगाई कि एसडीएम साहब मेरा मकान मिले, आप जांच कर ले और मेरा अगर फिर बाहर का जो होता है वो आप तोड़ के नाली के ऊपर है, बाकी मेरा मकान मत तोड़े। मैं कम से कम 2.5-1.5 लाख रुपया कर्जा करके मकान बनाया, दो समूह लिए हमने दोनों ने और समूह लेके हमने मकान बनाया है। तो एसडीएम साहब बोलते बोले आपका मकान बोले हमने गलत है बना हुआ, तो बोले वो तोड़ना पड़ेगा, तो उससे पहले नगर पालिका क्या करेगी, मेरा कागजों में जांच करके बनाया होगा ना। और 16/18 में मेरा मकान बना हुआ है जिसमें मैं निवास कर रहा हूँ, और उसी को मतलब तोड़ने के लिए एसडीएम साहब से मैंने गुहार लगाई। इसके बाद में तहसीलदार मैडम से मैंने बोला, सीमा साहब से बोला और वो अपने जैन साहब है मैंने उनको बोला जरा एक 2 इंच जरा इधर कर लो, तो आखिर में मेरी पेट लेके घर में भरा गए, फिर घर में निशान मार गया। मैं पहले रहता था कि नहीं रहता था, रोड पे रहता था, और जब हमारे कच्चे मकान बने हुए थे तो पीएम आवास सुधार योजना क्यों दिया, हमारे नहीं देना था उन्होंने, हमारे कच्चे मकान में हम अच्छे थे, आज हमारे बच्चे हमारी बहु बेटियां रोड पे है। और अपने यहाँ के टीआई साहब का कहना पड़ता था, मकान छोड़े थे, बोले तुम्हारी बहु बेटियों को बाहर निकालो, तो क्या हमारी बहु बेटियां बाहर निकलेगी क्या, हमारी बहु बेटी इज्जत वाली है, और टीआई का कहना पड़ा कि बाहर निकालो उनको, तो क्या रोड पर खड़े रहे क्या, और क्या उनकी इज्जत को तोड़ोगे क्या, कि लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये पूरा आतंक है एसडीएम टीआई साहब का, तहसीलदार बोल रहे उसके अंदर सीएम मनोज गंगराड़ है, और उसके बाद में जो जैन आया हुआ है वो उसकी मनमर्जी चला रहा है, माया का जैन जो है वो उसकी बिल्कुल उसकी तानाशाही चल रही है, तो क्या इसकी एक तरफा काम होगा, या तो फिर हमारे मकान तोड़ दे, थोड़ा बहुत जो बचा वो भी तोड़ दे, हमको टेंट में कहीं पर जगा दे, क्या व्यवस्था करके दिए है, हम अटो से जाएंगे बुड्ढे सत्तर आएगी बुड्ढी, उनको मुख्यमंत्री ने कच्ची पच्चीस हजार रुपये दिए, अब बताइए उनको कैसे आएगा, वो कैसे हमारी रोजी रोटी चलेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।